इंसान की मौत के बाद इसके साथ क्या होता है, इसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मुर्दे ने दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं दिया, मगर इंसान हमेशा इसका जवाब जानने के लिए बेकरार रहता है। जिसका जवाब इस्लामी रिवायात के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है कि मरने के बाद इंसान की रूह दुनिया को और अपने मादी जिस्म को हमेशा के लिए छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत दोनों से पर्दे की या इनसे अलग और छुपी हुई एक अलग नई दुनिया। इस बरज़ख के मकाम पर दो मकाम है, एक को कहते हैं एलीन, जहाँ पर नेक और पाक रूहों को रखा जाता है और एक रजिस्टर के अंदर इनका रिकॉर्ड होता है, और दूसरी जगह का नाम है सिज्जीन, जहाँ पर बदकार और काफिर रूहें रखी जाती हैं और एक रजिस्टर के अंदर इनका भी रिकॉर्ड होता है। क्यामत तक ये सब रूहें यहाँ पर रहेंगी और फिर क्यामत के दिन हिसाबो किताब के बाद हमेशा के लिए अपने मकाम यानी जन्नत और जहन्नुम के अंदर अपने अमाल के हिसाब से दाखिल होंगी। ये आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या दुनिया के मामलात के बारे में भी कुछ जान पाते हैं, या दुनिया में मौजूद अपने रिश्तेदारों को भी ये क्या कभी याद करते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल हैं जो कि इस रूहानी दुनिया के मुतालिक सुनकर हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम तरीन सवालों का जवाब इस्लामी रिवायत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुर्दे मरने के बाद भी अपने दुनिया में मौजूद रिश्तेदारों को याद करते हैं या इनके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या एक दूसरे की रिश्तेदार रूहें आलम बरज़ख के अंदर एक दूसरे से मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं? क्या ये रूहें ख्वाब में आकर अपने रिश्तेदारों को अपना हाल बयान कर सकती हैं? या ये मर चुके लोग दुनिया में कभी अपनी रूह के साथ वापस आ सकते हैं? क्या आप कभी अपने प्यारों को जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, क्या कभी इनसे मिल पाएंगे? आइए जानते हैं। दुनिया में मौत के बाद इंसान की रूह को कब्र में वापस हिसाब किताब यानी मुनकिर नकीर फरिश्तों के सवालों के लिए वापस भेजा जाता है, जिसके बाद इसके अमाल के मुताबिक या तो जन्नती नौरानी दो फरिश्ते इसे लेकर आसमान में आलम बरज़ख की तरफ जाते हैं, या फिर गुसीली और आग जैसी ड्रावनी शक्ल के दो फरिश्ते इसे लेकर इलीन की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि शख्स के अमाल थे। बरज़ख में क्योंकि सिज्जीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पर पहुँचते साथ ही क़यामत के हिसाब किताब से पहले इन बदकार रूहों पर अजाब शुरू हो जाता है। इन्हें आग के बिस्तर पर लिटाया जाता है, कैद किया जाता है और जलाने के अलावा बहुत सारे दर्दनाक अजाब यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस जहन्नमी रूह को एक खिड़की से अपना जहन्नमी मकाम जहाँ पर इसने हमेशा रहना है वो भी दिखाया जाता है कि तुम यहाँ पर हमेशा रहने वाली हो। जबकि लीन में मौजूद नेक रूहों पर कोई पाबंदी नहीं होती, वो बिल्कुल एक बाग की तरह खूबसूरत जन्नत जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। अगर इनका कोई रिश्तेदार दुनिया के अंदर मरकर इलीन के अंदर नहीं पहुंचता तो ये एक दूसरे को पहचान कर आपस में खुश होकर मिलती हैं, मगर शर्त यह है कि एक दूसरे की रिश्तेदार रूहें मरकर इलीन में ही पहुंची हों, ना कि सिज्जीन में। ये नेक रूहें एक दूसरे को पहचान कर आपस में खुश होकर मिलती हैं, बातें करती हैं और दुनिया के वाकयात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और अभी आने वाली रूह से अपने रिश्तेदारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी बेटी या दुनिया के अंदर मौजूद मेरा कोई भी रिश्तेदार किस हाल में है, क्या वो जिंदा है? अगर ये अभी आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा बाप, बेटा, बहन या बेटी तो कई सालों से मर चुकी है, मगर ये लोग यहाँ पर इलीन के अंदर नहीं पहुंचे, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि यकीनन उनको सिज्जीन के अंदर भेजा गया होगा। यानी अगर आपके माँ बाप या कोई भी और करीबी रिश्तेदार फौत हो चुका है तो आपके दुनिया के अमाल आपके इस रिश्तेदार को बताए जाते हैं, मगर इस वक्त तक के जब तक इस बताने वाले शख्स को खुद दुनिया में मौत आ गई। यानी अपनी मौत से पहले जो कुछ भी इस नई आने वाली रूह ने दुनिया के अंदर आपके रिश्तेदारों के बारे में देखा है वो यहाँ पर आकर दुनिया के हालात बयान करती है। इससे एक बात और भी वाज़े हो जाती है कि ना तो रूहों को गैब का इल्म होता है और ना ही दुनियादारी के मामला का कि वहाँ क्या चल रहा है, इल्ला माशाल्लाह, क्योंकि मरने के बाद हमेशा के लिए इनका ताल्लुक अब दुनिया से खत्म हो चुका है, जो कि अल्लाह ताला का कानून है। मौत के बाद का ये तमाम सफर और अपने रिश्तेदारों से मिलने का ये तमाम अहवाल सुनन नसाई हदीस शरीफ 1834 के अंदर बयान है। अब अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमारे मुर्दा रिश्तेदार हमारे ख्वाबों में आकर अपने हाल या किसी और चीज की खबर देते हैं, जो कि कई इस्लामी वाकयात से भी साबित है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वफात के बाद हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की खबर दी, जो कि मसनद अहमद के अंदर कुछ इस तरह से बयान है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने एक दिन दोपहर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आपके बाल बिखरे हुए और गर्द आलूद थे और आपके हाथ के अंदर एक खून की बोतल थी। मैंने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, ये क्या है? आपने फरमाया, ये हुसैन और इसके साथियों का खून है, मैं इसे सुबह से इकट्ठा कर रहा हूँ। इसके अलावा कई वाकयात के अंदर किसी के मुर्दा रिश्तेदार ख्वाब में आकर कोई खबर देते हैं जो कि वाकई बाद में सच साबित होती है।
तो क्या इसका मतलब यह है कि आलम बरज़ख के अंदर रूहों को यह इख्तियार होता है कि दुनिया के अंदर किसी को भी अपने हाल की खबर दे सकें या कोई खबर देकर उनकी मदद कर सकें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि ये टेंशन की हालतें हो सकती हैं, क्योंकि एक तो ये कि अक्सर लोग सदमे की वजह से किसी अपने प्यारे की मौत को दिल से नहीं भूल पा रहे होते, तभी इनके दिमाग में इनकी याद हर वक्त रहने की वजह से इन्हें ख्वाब के अंदर देखते हैं जिन्हें दिमाग खुद से बनाता है, और ये आपका सिर्फ दिमागी तसव्वुर हुआ करते हैं, ना कि हकीकत। दूसरी हालत में शैतान आपके रिश्तेदारों की शक्ल में आकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इसे ये इख्तियार दिया है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को छोड़कर दुनिया के किसी भी इंसान की शक्ल में आपके ख्वाब के अंदर आ सकता है। और तीसरी सूरत वो होती है जब अल्लाह अपनी मर्जी से आपको कोई खबर देना चाहे। ये उस रूहों के बस में भी नहीं होता, बस वो इतना ही बता सकती हैं जितना इन्हें इख्तियार दिया गया, ना इससे कम ना ज्यादा। नेक रूहें एक दूसरे के रिश्तेदारों का एलिन के अंदर इंतजार करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मुसाफिर अपने घर वालों से दूर इनके मिलने का इंतजार करता है। आपके रिश्तेदार दुनिया के अंदर आपके हालात के बारे में आने वाली रूहों से सवाल करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आपके मरने वाले रिश्तेदारों की रूहें आपको याद रखती हैं। इन रूहों को दुनिया की सभी बातें और सभी रिश्तेदार याद होते हैं, तभी तो वो इस बारे में सवाल करती हैं। यहाँ पर नेक लोगों के अलावा अंबिया, वलीउल्लाह और शहीदों की रूहें भी एक दूसरे से मिलकर बातें करती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह अन्निसा आयत 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा यह है कि जो लोग खुदा और इसके रसूल की इताअत करते हैं वो क्यामत के दिन इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अम्बिया, सदीक, शहीद और नेक लोग, और इन लोगों की रफाकत बहुत ही खूब है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा से, अपने वालिद से, अपनी बीवी खतीजा से और अपने चाचा हजरत हमजा से मिलने के लिए किस कदर बेचैन होंगे। आपके जानिसार सहाबा भी मौत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए कितना बेचैन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले अपनी बेटी हजरत फातिमा को बताया था कि मेरी वफात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी, और ऐसा ही हुआ। और पूरे 4 या 6 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में सबसे पहले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। आलम बरज़ख में नेक रूहों को आपका या इनका खुद का सदका जारिया, मसलन नेक औलाद या किसी माल को ऐसी जगह पर खर्च करना जो कि पूरी इंसानियत का भला कर रहा हो, और साथ साथ एहसाले सवाब, हदिया और तोहफा की सूरत में इन तक पहुँचाया जाता है, मगर इसकी सूरत क्या होती है, इन्हें इसका क्या फायदा होता है, ये हमें मालूम नहीं। बस ये पता है कि भेजने वाले का नाम इस रूह को बताया जाता है कि किसने इसे भेजा और किस सूरत में, जिसके बाद इस रूह को क्या नेमत मिलती है और इसके दर्जे कैसे बुलंद होते हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी ऐसे ही नेक लोगों में शामिल फरमाए, ऐसे लोगों में जिनसे अल्लाह और इसका रसूल राजी हुए, और हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और मुलाकात नसीब करे और जहन्नुम के अजाब से बचाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आपने इस वीडियो में देखा कि मरने के बाद इंसानों की जो रूहें हैं वो आलम बरज़ख में चली जाती हैं। मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है, बल्कि इंसानों की जो रूहें होती हैं वो आलम बरज़ख में चली जाती हैं, फिर आलम बरज़ख के बाद से फिर महशर में उठाया जाएगा यानी क़ियामत के दिन, और फिर लोगों का हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अज़ाब क़ब्र, अज़ाब महशर, अज़ाब पिलसरात, अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।